ब्लॉग्स में। तो चलिए चलते हैं ऊपर सूरज को पानी देने के लिए। सारा काम कंप्लीट हो गया था घर का, अभी काफ़ी स्कूल जा चुकी थी, उसके बाद मैंने आज अष्टमी थी, मेरा फास्ट था। अभी मैं सारे घर में धूप दे रही थी, सूरज को जल दे के मैं नीचे आ गई थी, फिर सारे घर में धूप दी। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्रिल साफ कर रही हूँ मैं, ग्रिलों पे बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी तो उनको साफ कर रही थी मैं। गेट खुला रहता है जीने का तो बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है यहाँ पे। ये काम तो सारा दिन चलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कब दिन चला जाता है सारा पता ही नहीं चलता है। कर देते हैं साफ क्योंकि गंदी हो जाती हैं। देखिए हमारे राधा रानी फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और मैं बनाऊंगी घिया दाल की सब्जी, और वो भी चूल्हे पे बनाऊंगी। अभी मैं आग जला रही हूँ, मैंने पन्नी लगा दी थी, फिर मैं आग जलाने की कोशिश कर रही थी, जल जाएगी थोड़ी देर से ही सही, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे जब भी तो आएगा। देखिए आग जल चुकी है, अब मैं इधर बातें कर रही थी नवीन से, क्योंकि नवीन स्कूल से आ चुका था, वो चाय पीने लग रहा था। लगभग फ्रेंड्स 5:30 हो चुके हैं, अब मैंने डेगची चढ़ा दिए, तब तक मैं अपने आप फास्ट का खाना बनाऊंगी गैस पे। और रोटियां भी देखिए, रोटियों की भी तैयारी हो चुकी है, आटा वगैरह मैंने बांट दिया है और दाल हमारी बनने लग रही है। ये देखते हैं, चमची ले ली है, दाल देखते हैं। ये देखते हैं दाल गल गई होगी। ये देखिए मम्मी कुछ पूछ रही थी, मम्मी भी आ गई कि बेटा बन गई है क्या खाना, सब वेट कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ मम्मी जी आप डाल दीजिए, बन चुका है खाना बिल्कुल, क्योंकि मैं बना रही थी, मम्मी डाल के दे देती हैं सभी को तो जल्दी काम हो जाता है। मैंने कहा बस थोड़ी 5 मिनट और लगेंगे, बस हो गया।
क्या है, केले एक फल के लिए, और क्या है भाई, स्पर्ट, दिस इज फॉर अभी का, डावर आंवला, सर घर का कुछ सामान मंगाया था तो ये नवीन लेके आया है। और ये क्या, ये है साबूदाने की खीर। ये मैंने व्रत के खाने में बनाई है अपने लिए साबूदाने की खीर। अब मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है, मैं आपको बीच में ही लिखा रही हूँ। साबूदाने की खीर जो लगभग बनने के लिए बिल्कुल रेडी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।